प्रदेश में कोरोना का बढ़ता आतंक। प्रदेश में कोरोना वायरस से तीसरी मौत हो चुकी है। अलवर के सोहनलाल की एसएमएस हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। 85 वर्षीय सोहनलाल की कल ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने मौत की पुष्टि की। हार्ट डिजीज, ब्रेन हेमरेज और निमोनिया से उनकी मौत होना बताया जा रहा है। और एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने मौत की पुष्टि की। आपको बता दें, हार्ट डिजीज, ब्रेन हेमरेज और निमोनिया भी उनको थे। लगातार कोरोना का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। तीसरी मौत प्रदेश में कोरोना वायरस से। बेहद गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। 85 वर्षीय सोहनलाल की कल ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई और एसीएस रोहित कुमार ने इसकी पुष्टि की। चलिए अब इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा से कि अलवर के सोहनलाल की मौत के बाद गांव में क्या हालात हैं। जी चंद्रशेखर जी, बताना चाहूंगा मनीषा कि कठुमर थाना अंतर्गत नगला माधोपुर गांव में आता है। इस बुजुर्ग की मौत के बाद सारे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और प्रशासन की ओर से काफी एहतियात बरती जा रही है और 1 किलोमीटर दूरी तक सीमा को सील कर दिया गया है गाँव की सीमा को। साथ ही जिन चिकित्सकों ने बुजुर्ग की जांच की थी उन चिकित्सकों को भी अलवर जांच के लिए भेजा गया है और किन किन लोगों के संपर्क में बुजुर्ग आए उनकी जांच पुलिस और चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है। और साथ ही जो बुजुर्ग के परिजन हैं, जो 3 पोत्र जो उनकी सेवा कर रहे थे बीमारी के दौरान, उनकी भी जांच चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा ली गई है। कुल मिलाकर जो रात को पुष्टि की है चिकित्सा विभाग ने कि मरीज पॉजिटिव आया है कोरोना, उसके बाद से ही प्रशासन और पुलिस ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है और पूरे गांव की चिकित्सा की जांच इस समय चल रही है। मनीषा जी, चंद्रशेखर ये बताएं कि क्या पहले सोहनलाल अलवर में ही भर्ती थे? मैं बताना चाहूंगा कि 20 दिन पहले सोहनलाल को ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई थी, उसके बाद परिजनों ने कठुमर अस्पताल में दिखाया, उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से वो जयपुर में भर्ती थे और 3 दिन पहले ही अलवर उनको वापस भेजा गया था, लेकिन कल उनकी दोबारा तबीयत खराब होने से वापिस वो जयपुर पहुंचे और जयपुर में उनके जो देर रात जो पुष्टि की है वो कोरोना की हुई है। कारण बताया गया है कि असामान्य लक्षण उनके पाए गए थे और कोरोना की जांच में उनको पॉजिटिव पाया गया। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, लगातार कोरोना का आतंक प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 85 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव आने से मृत्यु हुई। हालांकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाकी बीमारियों ने भी उन्हें जकड़ रखा था। अलवर के सोहनलाल के एसएमएस हॉस्पिटल में मौत हुई और कल ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।